आज जो शपथ ग्रहण हुआ है, विकास का मुद्दा आप लोगों का क्या रहेगा? दरअसल मैं अरविंद तिवारी हूँ, चन्नगर वार्ड नंबर 2 के निवासी हूँ। मैं खुद चुनाव लड़ रहा था वाइस चेयरमैन का, परंतु महिला सीट होने के कारण श्रीमती जी को लाना पड़ा। वो भी पढ़ी लिखी थी, बोलने में विभाग बोलने वाली भी है। रह गई विकास की बात, तो यहाँ के मतदाता 3 वोट दिया है। एक वार्ड की चिंता करने वाले, एक समाज की चिंता करने वाले, एक काम की चिंता करने वाले। तो एक आदमी को 3 वोट दिया है 3 आदमी को चुनने के लिए। मैं हूँ बीच के व्यक्ति। मैंने कहा था पूर्व में भी कि मैंने आगे वाले को और पीछे वाले को भी सहारा देकर जनता के हित में जो जनमानस चाहेगा उसी विकास के डोर को आगे तक बढ़ाएंगे, यही मेरा संकल्प है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई अनियमितता नहीं। हम सभी समाज को लेकर चलेंगे और चाहेंगे कि समाज में लगे कि हमने 3 वोट दिया है। तो मैं तो चाहूँगा कि बीच वाले वोट जो चश्मा छाप के दिए हैं उनके लिए ज़्यादा लोगों में उत्सुकता हो, क्योंकि मैं स्नेह पूर्वक समर्पण भाव से दास भाव से मतदाता का काम करूंगा, यही मेरा संकल्प है। कहने के लिए बहुत सारी बात है, मुख्य मुद्दा यहाँ के जल निकासी है। शहर में एक मुख्य बड़ी नाला बनने की आवश्यकता है, जो अन्य तरह से छोटी छोटी नाला उसमें जाकर समाहित होकर जयनगर में जल निकासी की समस्या समाधान हो जाए। कम से कम ही पंचवर्षीय योजना में हो जानी चाहिए। जयनगर को सुंदर बनाने के लिए सभी लोगों की मन में है, मेरा भी है कि कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोगों के बीच में। रह गई तीसरी बात कि नगर पंचायत से संबंधित जो भी आम मतदाता का काम है, मेरा प्रयास रहेगा कि घर बैठे होम सर्विस काम करवा के उनको पहुँचावे, किसी को ऑफिस आने का ज़्यादा जरूरत। 3 वोट लोग दिया है, सबसे पहले बीच वाले पद पर फोन कर अपनी समस्या से अवगत करावे, संभवतः हम उसे पूरा करने का काम करेंगे। ज़्यादा कहना अच्छी बात नहीं। आज के दिन आपके चरण के माध्यम से सभी मतदाता मालिक को चरण में माथा टेकते हुए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। नया साल, मकर संक्रांति,